मॉर्निंग, कैसे आप सब? ठीक ठाक माशाल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज की सुबह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुई है, बहुत ज़बरदस्त। देखें कितना प्यारा मौसम है ना, धूप कितनी निकली हुई है। और हम जा रहे हैं, एक अपॉइंटमेंट है वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद बेटे को खाना खिलाऊंगी, बल्कि जाने से पहले भी खाना खिलाऊंगी, फिर अपॉइंटमेंट पे जाऊंगी, उसके बाद शाम का खाना होगा, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट है दूर है थोड़ी सी, तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे हमें जाने में। और उसके बाद जी हम वापसी पे फिर कहीं खाना खाने जाएंगे। तो आज देखते हैं क्या क्या काम करते हैं, कोई ख़ास काम तो नहीं है सच्ची पूछे तो, आज तो सिर्फ बाहर का ही प्लान बना है। तो घर में जितने काम रोज़ के होते हैं वो तो मैंने कर लिए थे, तो बाकी देखते हैं क्या होता है और क्या खाते पीते हैं। तो गाइज़ हम यहाँ पहुँचे हैं अपॉइंटमेंट के लिए हॉस्पिटल के बाहर, अभी मैं वेट कर रही हूँ। ये देखिए हॉस्पिटल के बाहर, इधर मैं बाहर बैठ गई हूँ, तो वेट करूँगी हस्बैंड के लिए, उनकी अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने कहा चलो आपको भी हॉस्पिटल दिखाते हैं। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा, सच्ची पूछे तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। मौसम भी अच्छा है, मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे, उनको ऐसे फील हो रहा था कि जैसे आज गर्मी फील हो रही है उन्हें। मैंने कहा क्योंकि मुझे लगता है रमज़ान है ना, तो रोज़े है, इस वजह से शायद गर्मी फील होती होगी, तो उनको आज ऐसे लगने लग गया कि जैसे गर्मी है। मैंने कहा लेकिन सर्दी है, तकरीबन 9.5 डिग्री है, 9.5 डिग्री वेदर है, तो उनको गर्मी लग रही थी। तो कोई बात नहीं, गर्मी भी बस आने वाली है, थोड़ी देर और है फिर समर शुरू हो जाएगा। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये जो पर्सन है ना, ये रिमोट के साथ इस गाड़ी को चला रहा है और ग्रास कट रहा है यहाँ पे। आप देखिए ज़रा, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, ये आप देखिएगा कि ग्रास काट रहा है, लेकिन वहाँ पे वो खुद ड्राइव नहीं कर रहा है, सिर्फ रिमोट कंट्रोल के साथ ड्राइव हो रही है और ग्रास कट रहा है। कितनी तरक्की कर ली है देखें इंसानों ने, कितनी माशाल्लाह तरक्की कर ली है कि खुद अब ग्रास काटने के लिए भी खुद गाड़ी में नहीं बैठना पड़ता या खुद मशीन के साथ हाथों से नहीं इस्तेमाल करना पड़ता। चलें ये देखें, ग्रास कट रहा है और वो खड़ा मजे के साथ यहाँ पर सिर्फ रिमोट चला रहा है। यहाँ पे मैंने कहा आपको अच्छी तरह से जूम करके दिखाऊं, अपॉइंटमेंट से फारिग होने के बाद हम आ गए यहाँ पे विम्सलर रोड पे, आपको नजर आ रहा होगा लाल किला, मैं आपको दिखाती हूँ लाल किला। इधर पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क की है, इधर मुसरत है, फिर वो सामने भी रेस्टोरेंट है वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर लिए, तो अब मैंने हस्बैंड को भेज दिया, मैंने कहा कुछ खाने के लिए ले आए, बेटे को भी काफ़ी भूख लगी हुई है, तो वो कुछ खाने के लिए लेने गए हैं। तो जी यहाँ पे हम मैकडॉनल्ड के पास रुके हैं, ड्राइव थ्रू तो नहीं हमने लिया, इधर पार्किंग में रुके हैं। तो बेटे के लिए ड्रिंक चाहिए था, वो कह रहा मुझे ठंडा ठंडा डाइट मिल्क शेक लेके दें, डाइट कोक तो ये नज़र आ गया था इसलिए मुझे मेरे मुंह से निकल गया डाइट कोक, तो कह रहा मुझे ठंडा ठंडा ना यहाँ से मिल्क शेक ले दिए। तो मेरे हस्बैंड गए हैं अब मिल्क शेक लेने के लिए।
गाइस अभी बस यहाँ से टेस्को से आई हूँ, कुछ सामान लिया है। घर के तो काम खत्म होते ही नहीं है, शॉपिंग जो भी चीजें होती हैं वो तो कभी खत्म ही नहीं होने को नाम लेती हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी जाते जाते ब्रेड मिल्क किस तरह की कुछ चीजें चाहिए थी वो भी सारी ले लूँ, कुछ फ्रूट वगैरह।